तू अटकियो मत, देखो इसने। ओए क्या कर रहा है, खा दे। रॉक्सी को और चीनी को खाना पसंद है केला बहुत ज़्यादा। और चीनी तो यार पेट में हाथ मार देती है बड़ी तेज। चीनी तो खाई केला? चीनी तू खाएगी बेटा? चीनी आंखें देखो कैसे देख रही, केले की तरफ देखी। और रॉक्सी को दिखाऊं? रॉक्सी तो ऐसे बैठी बेचारी, कितनी सीधी है, मुंह से लार टपक रही है। अच्छा मैं चीनी को खिलाऊंगा पहले, मतलब चीनी को खिलाऊंगा पहले। थोड़ा सा लियो, ठीक है ना? सारा नहीं, आधा आधा दूंगा दोनों को। ओ भाई रॉक्सी सॉरी यार, थोड़ा सा ही है बट जो भी है इसी से काम चला लो। उसने ज़्यादा ले लिया क्या? अभी छिलका खाएगी? छिलका खाना है? ले छिलका खा ले, छिलका खा ले। ओ लीव 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 लीव, पागल छिलका है, छिलका नहीं खाते। सर डस्टबिन में जाएगा। अभी मैं ना रॉक्सी के साथ देखो प्रैंक करता हूँ छोटा सा। देखो ये फ्रूट्स हैं फेक। रॉक्सी तू खाएगी? चीनी को नहीं देंगे। तुझे केला कम मिला ना, देखियो कितने सारे हैं फ्रूट्स, देख रहा है? ओ देखियो देखियो देखियो। ओ नकली है भाई, इसने केला ही उठाया है। इधर केला, ये नकली है। हाँ भाई वो पत्थर है। रॉक्सी तेरे को खाने हैं, तेरे को खाने फ्रूट्स, फ्रूट्स खाने तेरे को। चीनी को देखो, चीनी उसको काटने की कोशिश कर रही है। भाई भाई तोड़ दिया इसने ये भी। भाई भाई अब इसने ये भी तोड़ दिया, ये फेक था ये, इसने ये देखो यहाँ से तोड़ दिया। भाई ये असली होगा, चीनी मान जा तू। बैग में उठा के रख देता हूँ, ये फेक के चक्कर में तोड़ देंगे सबको। उठा के रख देता हूँ इसको, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। चलो कोई फ्रूट्स नहीं मिलेगा किसी को, बहुत खाते हो ऐसे दिन भर तुम। टाइटल समझ देख के आप समझ गए हो मैं किस पप्पी को आज आपसे मिलाने वाला हूँ। लेकिन एक रॉक्सी का पप्पी था जिसका नाम था बगीरा। ये स्क्रीन देख रहे हो सामने चल रही है आप लोगों के सामने, मैंने देखा था। ये देखो इस ये जो मेल है ना, इसकी चेस्ट पे व्हाइट स्पॉट आपको दिख रहा होगा हल्का सा, ये देखो। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हो, ये जो हमारा मेल रॉटवाइलर है इसकी चेस्ट पे एक व्हाइट लाइन है। अब और गाइस इसका नाम है बगीरा। ये मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, क्योंकि एक देखो मैं इसकी पहचान बताता हूँ, चेस्ट पे व्हाइट स्पॉट है एक, तो अलग ही मुझे पता पड़ जाता है ये अपना बगीरा है। ओपी बगीरा, कैसा बेटा? ओपी बगीरा सुस्त सो रहा है, धूप ले रहा है, कितने शांत है यार ये। ओ बाबू चलो, तो मैं अगले तो आज इस पप्पी से मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ। तो काफ़ी लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट करी है कि रॉक्सी के जो अदर पप्पीज हैं उनसे भी उनको मिलना है, काफ़ी कमेंट आ रहे थे। तो यार देखो, और तो मेरे पास में कोई पप्पी अब है नहीं और ना ही आसपास की लोकेशन पे है, लेकिन एक पप्पी है जहाँ तक मैं जा सकता हूँ। तो आज मैंने डिसाइड करा कि सुबह 11 बजे तक लॉकडाउन रहता है, तो मैं 11 बजे तक लॉकडाउन ओपन रहता है, मतलब 11 बजे तक आप थोड़ा बहुत आपका जरूरी जो काम है वो कर सकते हैं। तो मैं सुबह सुबह का टाइम है, अभी लगभग 9 बज रहे हैं, तो मैं जल्दी से जाकर उस पप्पी से मिल के आता हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। क्योंकि पिछले कुछ टाइम में जैसा आप लोगों को बताया हमारे चैनल पे, पप्पीज़ हमने खोए हैं, बहुत दुख है। और रॉक्सी का एक और पप्पी है अभी, और थोड़ा समय जाना पड़ेगा दूर, लेकिन मैं आप लोगों के लिए जा रहा हूँ। तो मेक श्योर इस वीडियो को लास्ट तक देखना, लाइक करना ना भूलना, कीप सपोर्ट कीप वॉचिंग। तो चलो अब मैं सीधा उसी के घर पर जाकर आपसे मिलता हूँ। हियर वी गो, लास्ट तक जरूर देखना वीडियो। क्या है वो बोल्ट्स के कुछ अमेजिंग प्रोडक्ट जो कि डील करते हैं मल्टीविटामिन कैल्शियम शैम्पू ऑर्डर रिमूवर च्यू डॉग बोन और टॉयज में। अगर आप इनके स्टोर पर विजिट करना चाहते हैं तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, मेक श्योर विजिट करना ना भूले। थैंक यू गाइस। ये है हमारा बगीरा जो कि अभी लेटा हुआ है, सो रहा है, और मैं आज इससे आया हूं मिलने। और उठ गया, ओए पहचाना तूने मुझे? इधर आ, इधर आ। डैनी नाम रख दिया इसका। ओए बगीरा, ओपी बगीरा भैया, भैया कुछ नहीं मतलब इसे, बिल्कुल ऐसा लगा जैसे सुल्तान है, बिल्कुल सेम सुल्तान जैसी ग्रोथ है, सुल्तान जैसा हेड का वो है शेप, बिल्कुल वैसा ही है। ओए सुल्तान क्या आ गई मुझे देख के। हाँ ग्रोथ अच्छी आ रही है नहीं, ये इसकी कलाई अच्छी है, इसकी कलाई मोटी है, इसकी बढ़िया बढ़िया जा रहा है, बढ़िया जा रहा है बगीरा हमारा। बचपन में तो पतले पतले थे ये सारे के सारे, लेकिन मुझे पता थी ठीक हो जाएगी। तू मेरी उंगली काटेगा? स्टॉप बाइटिंग, उंगली काटेगा तू मेरी? मैं आया हूँ अपने बगीरा से मिलने। बगीरा मुझे पूरी तरीके से भूल चुका है, आप लोगों ने काफी ने कहा रॉक्सी और पप्पी से मिलवाओ, तो बगीरा थोड़ा पास रहता था तो पॉसिबल था उसके पास तक आने। तो मैं आज बगीरा से मिलना है। बगीरा की मैंने पहचान आपको ऑलरेडी बता चुकी है, बीच में एक हल्का सा व्हाइट स्पॉट था, साइड में वीडियो भी दिखा दी थी मैंने वो वाली। तो बगीरा ठीक है, हल्का सा इसके आँख पे एक स्पॉट आपको दिख रहा होगा, वो थोड़ा सा इंजर्ड हो गया था इसलिए है, बाल आ जाएंगे, रिकवरी हो गई है, ठीक है। तो बगीरा मुझे तो भूल चुका है, इन्होंने इसका नाम डैनी रख दिया। डैनी ना? यस डैनी, डैनी नाम है इसका आज के टाइम पे। और ये थोड़ा थोड़ा मुझे पहचान रहा है, वो भी रॉक्सी की स्मेल आ रही होगी ना मेरे अंदर से, तो ये बस वही पहचान रहा है। हाँ हो तू काटियो मत, देखो इसने। ओए क्या कर रहा है, खा देता? कितने प्यार से बैठा, ऐसे ही बैठता था तो जब छोटा था, पता है तुझे?
मेरा तो मैं हुआ है, तू भूल रहा है मुझे। अब हमारे पास यही मेल पप्पी एक बचा है, मतलब बाकी जो दो मेल पप्पी थे जिनके यहाँ पे गए थे उनकी डेथ हो गई है, आप लोगों को तो मैंने अपडेट दिया था। तो अब बगीरा है हमारे पास, और बगीरा आई होप हेल्थी है, सही है, वैक्सीनेशन पूरी हो गई है इसकी? हाँ जी, वैक्सीन इसको कोरोना का भी लग गया है और सारा वैक्सीनेशन। अच्छा, सब हो गया है ना इसका? हाँ। चलो बढ़िया है, सभी जो डॉग ओनर्स हैं अपने पप्पीज को ध्यान रखें भाई, वैक्सीनेशन वगैरह करा लें, बहुत सही रहेगा। और बगीरा हमारा एकदम हेल्थी और बढ़िया लग रहा है मुझे तो। जब छोटा था तो काफ़ी एक्टिव था, सुल्तान की तरह लगता था मुझे कहीं ना कहीं ये, बट इसका हल्का सा वाइट स्पॉट था भाई गोदी में। ओ काट काट ले, काट ले मुझे, मतलब हमने तो जो बड़ा करा हम ही काट ले तो। हाँ नो डैनी बेटा, कुछ ही कर दूँ। कैसे बैठा है उसकी ट्रीट पे नजर है, मेरे हाथ में ट्रीट है ना। अच्छा इसकी ट्रीट पे निगाह है, अच्छा दिखाएगा। अगर मैं इसे रॉक्सी से मिला दूंगा ना तो ये रॉक्सी को पूरा पहचान लेगा। हाँ, उसको तो ये एट ए टाइम पहचान लेगा रॉक्सी को, मुझे पहचान नहीं पा रहा है, हल्की सी स्मेल ले रहा है बस। हाँ, बस स्मेल ही लेगा। हाँ, काफी दिन हो गए। हाँ, और कर रहे हैं ये लोग। वैक्सीनेशन पूरी तरीके हो चुकी है, यहाँ तक कि इसको कोरोना की वैक्सीनेशन भी लगवाई जा चुकी है जो डॉग्स में आती हैं। शायद मेरे को इस बारे में कोई तरीके से भी नॉलेज नहीं है, भाई ने मुझे बताया कि भैया की मदर जो है वो एक डॉक्टर ही हैं, तो ये सब इनके वैक्सीनेशन और बूस्टर वगैरह लग चुके हैं। मैं आप लोगों को एक एडवाइस देना चाहूँगा कि ये भैया के मतलब पप्पी के ऑनर हैं, मतलब हमारे बगीरा के, मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा आप लोगों को, कहीं भी आप वैक्सीनेशन करा रहे हैं ना भैया, तो ध्यान रखो एक बात, ऐसी जगह से कराओ जहाँ से आपको इस तरीके के प्रॉपर कार्ड दें, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। एटलीस्ट वो ऑरिजिनल वैक्सीनेशन होगी और एक कार्ड मिलने का अलग ही फ़ायदा होता है। तो गाइस आज हम गए बगीरा से मिलने के लिए। पिछले कुछ टाइम से मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपसेट था पप्पी जब से मैंने खोए हैं, तो लेकिन आज मुझे बगीरा से मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो ये वाली वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो मेक श्योर लाइक करना ना भूलना, इस तरीके सपोर्ट करते रहो। अगली वीडियो हम डॉक्टर डॉग की लाएंगे बहुत ही जल्दी, और आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, जल्दी हमारे 500 के सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे, तो उसके लिए भी थैंक्स अलॉट। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलना, इसी तरीके सपोर्ट कर दीजिए। थैंक यू गाइज। बताओ गैस करो ये कौन है, गैस करो ये कौन है, इससे मिलना है काफ़ी दूर, गैस करो कौन है, कौन है, गैस करो कौन है, चलो बताओ, इसका इसका निशान देखो कौन है, बताओ कौन है,